हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार बोर्ड में ऑफिशियल मॉडल पेपर से लगभग 40 से 50% जो है क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। तो डियर, इसलिए आप लोग के लिए हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं और इस मॉडल पेपर को आपको टेस्ट के रूप में लगाना है। और जैसे आप इस प्रकार का पैटर्न देख रहे हैं, सेम टू सेम हूबहू आपका 2024 का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और पेपर भी आप लोग का इसी तरह जो है बनने वाला है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है और ये 100 नंबर का आपका रहेगा और ये इसमें 106 प्रश्न रहने वाला है डियर। तो बिल्कुल आपको एंड तक इसको क्लास करना है, एंड तक करना है और बिल्कुल आप लोग 40% यहाँ से आपको 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से आप लोग देख लेंगे, इसका परीक्षा निर्देश वगैरह सारा चीज दिया हुआ है। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार सम करके जरूर शेयर करेंगे। तो और हाँ, आप लोग खुद से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो डियर, चलिए हम लोग देखते हैं 2024 का जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पैटर्न है, इसमें 1 से लेकर 100 तक का आपका यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्नों को जो है OMR शीट पर आपको यानी फिल करना होगा। ओके, चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है पहला क्वेश्चन में, कि नाड़ी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये किस पार्ट से जो है ये यानी पंक्तित को लिया गया है आपको ये बताना है। ओसदानीरा से लिया गया है, सिपाही की माँ, शिक्षा या अर्धनारीश्वर। बिल्कुल आप नर और नाड़ी और नर ये बात सुनकर के आपका माइंड में इसका आंसर फिट हो गया होगा, अर्धनारीश्वर। तो जो बच्चे अर्धनारीश्वर बताएं, बिल्कुल इसका आंसर जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और हम लोगों को पता है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी दिनकर, जिसे राष्ट्रकवि का उपाधि मिला है। अपना बिहार से है और ये कहां से बेगूसराय है, इसका मतलब जन्म कब हुआ था, 1908 में बेगूसराय सिमरिया में। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि कृष्ण मूर्ति की रचना जो है कैसी है। तो बताइए, अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जो बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। देखिए, इसी प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो देख रहे कितना लड्डू वाला प्रश्न पूछे जा रहा है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास के होंगे ना, तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। झूठन क्या है आपको बताना मेरे डियर, हम लोग जानते हैं झूठन जो है क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, जो बच्चे आप लोग आत्मकथा बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए मेरे प्यारे। चलिए, तो ईद का चांद होना क्या होता है, यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना होता है। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग बहुत दिनों पर दिखाई देना होगा, तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है ना क्या, बहुत ईद का चांद हो गए हैं क्या आप, यानी बहुत दिनों के बाद जो दिखता है तो उसको कहा जाता है कि आप ईद का चांद हो गए हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, अंधे का लकड़ी सब आप लोगों को सबको बनना है, अंधे का लकड़ी। ठीक है, यानी एकमात्र सहारा अपना मम्मी का बनना है। ठीक है, तो एकमात्र सहारा होगा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अपने माँ बाप का जो है आपको क्या करना है, अंधे की लकड़ी बनना है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे कहलाता है कि अजल गगड़ी छलकर जाए लोकप्रिय का अर्थ क्या होगा। तो ये जो है मुहावरा है, मुहावरा से आपको डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग तो व्याकरण पर्सन हम लोग का मोस्ट होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है। तो अजल गगड़ी छलकर जाए का अर्थ क्या होता है, यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए, यानी ज्ञान कम है लेकिन नाचन ज्यादा करता, बोलता ना कि कम अधूरा ज्ञान वाले व्यक्ति ज्यादा यानी उछलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। नाच ना जाने आंगना टेढ़ लोकप्रिय अर्थ क्या होगा, यानी ये भी मुहावरा है। तो हम लोग जानते हैं कि नाच ना आ जाने पर लोग क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो बहाना करना है, यानी इसका आंसर आप लोग जो पूछे बहाना करना होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। 3/13 का होना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिये, 3/13 का होना जो होता है इसका अर्थ क्या होगा, यानी तितर बितर होना होता है। डियर क्या होगा, तितर बितर होना, जो बच्चे आप लोग तितर बितर बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। हीरा शब्द का कौन संज्ञा है बताइए। हीरा शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो बिल्कुल हीरा जो होगा यानी दर्भवाचक हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग दर्भवाचक बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बुढ़ापा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, बुढ़ापा शब्द। ठीक है, चलिए, तो बुढ़ापा शब्द जो होगा यानी भाववाचक हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग भाववाचक बता रहे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। काशी शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, दर्भवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो बताइए काशी शब्द जो होगा कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका मेरे डियर। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर की अगर बात करें काशी का,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में 12 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द कौन संज्ञा होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक। तो चलिए देखिए, सभा जो आपको देख रहा है, सभा वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ समूह की बात हो रहा है। तो ये जो होगा यानी सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ये समूह लगता है, तो बिल्कुल ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो बिल्कुल मनुष्य शब्द के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, यानी मनुष्य जो है यानी क्या जाति, यानी जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 14, सजावट शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा, आपको बताना है सजावट। चलिए बताइए, एकदम बिल्कुल बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, सजावट शब्द जो होगा आपका यानी कौन संज्ञा हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा मेरे प्यारे। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्नों को अच्छे से रट लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द का पर्यायवाची बताना आपको मेरे प्यारे। चलिए, तो निनाद होगा या नाद होगा या ध्वनि या इनमें सभी, तो हम लोग जानते हैं शब्द का पर्यायवाची जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी निनाद भी होता है, नाद भी होगा, ध्वनि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे। चलिए बताइए, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गंगा जो होता है, गंगा शब्द का पर्यायवाची की अगर बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, मंदाकिनी, ठीक है, ये तो हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं कि ये मंदाकिनी होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए सुंदर का पर्यायवाची बिल्कुल ललित होता है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, ललित, जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए राजा का पर्यायवाची होता है समान शब्द होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग निरुप बोलेंगे, उसको भूप व्यू कहा जाता है, निरुपति, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 देखेंगे, पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए पेय जो होता है पानी को भी बोला जाता है, हम लोग जानते हैं, और दूध को भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जल और पानी ये चीज दो चीज दिया हुआ है, तो पेय जो होगा ये यहाँ जल और पानी नहीं कह सकते, इसको हम लोग दूध ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये जल अगर नहीं दिया होता, पानी रहता, तो क्योंकि पेय रस पानी को भी कहा जाता है और पेय दूध को भी कहा जाता है, तो ये दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दूध होगा, ठीक है, अगर कहीं भी आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको दूध ही दिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे डियर, प्रकाश, किरण, भास्कर या अनल। तो बताइए सूर्य का क्या होता है, देखिए सूर्य को क्या क्या बोला जाता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है भास्कर दिया हुआ है, तो सॉरी मतलब भास्कर दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका भास्कर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, तो ऑप्शन में आपका भास्कर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, संवंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवंत का, तो हम लोग इसको अगर करते हैं तो समझोर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, समझोर वत, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर क्वेश्चन, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाचार शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मेरे डियर, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सत्य जोर आचार हो जाएगा, सत्य जोर आचार, जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का बताएंगे, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, नायक का। चलिए तो नायक का जो होगा तो बिल्कुल नए जोर अक हो जाएंगे, नायक का पर्यायवाची मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए जोर अक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 24, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे, तो उत्तजोर आगम, ठीक है, उत्तजोर गम होगा या उत्तजोर आगम होगा, चलिए यही दो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं उत्तजोर गम हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा उद्गम का, उत्तजोर गम हो जाएगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद बताइए मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षा जो होगा आपका पड़ी हर्षी वाला होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका यानी पड़ी जोर इच्छा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं, बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, हताहत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए हताहत का बताना आप लोगों को, तो बिल्कुल हताहत का जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हत जोर आहत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हत जोर आहत राइट आंसर हो जाएगा। सभा शब्द जो है क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन आपको बताना, सभा शब्द जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ये बिल्कुल स्त्रीलिंग आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, आत्मा शब्द बताइए, स्त्रीलिंग होगा, वेलिंग या पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आत्मा हम लोग पढ़े हैं बचपन से क्या, कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ चीज अपवाद में है, तो आत्मा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जी शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में हर्षी हो या दीर्घ हो प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है अपवाद में, जैसे तो जी जो होगा आपका यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका यानी पुल्लिंग हो जाएगा, इसका आंसर आपको होगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। आयु शब्द के बारे में बताना है, तो आयु शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आयु जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, और इसका आंसर आपको होगा स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा शब्द क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो परीक्षा क्या हो रही है, तो ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि परीक्षा जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, महिमा शब्द के बारे में बताना, पुल्लिंग
स्त्रीलिंग उभयलिंग। तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं महिमा शब्द जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, उपवन शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपवन शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। देखिए उप जो है मतलब उपसर्ग मिलकर के कोई नया शब्द बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो होगा उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू का उच्चारण आपको देखना है, तो उप जोर वन, ठीक है। तो यहाँ इसमें उपसर्ग क्या लगा, उप लगा है, तब वन हुआ, तब जाकर के मिला क्या मिला, उपवन। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 34, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा। यहाँ भी जो है क्या होगा, प्रति जोर निधि, प्रति भी जो है इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रतिनिधि हो जाएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो बताइए सुकर्म में, तो यहाँ जो होगा सुजोर कर्म, ठीक है, सुजोर कर्म। तो यहाँ भी होगा आपका यानी क्या, नया शब्द यानी उपसर्ग मिलकर के नया शब्द का निर्माण हुआ यानी सुकर्म। तो यहाँ जो लगा है सु लगा है, तो सु जो होगा आपका यानी उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आनंदित शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण से आपको देखना है, ठीक है। 36 में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो होगा आपका यानी आनंदित होगा, यानी आनंदित इत हो जाएगा आपका, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 36 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो लास्ट में आपको देखना आऊ, ठीक है, टिक आऊ। 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आऊ वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट का उच्चारण इसका क्या आऊ का आता है। देखिए 38 देखेंगे, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, पर आई, आई लास्ट में क्या आता है, यानी आई का उच्चारण आ रहा, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग ए बताए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, आकाश शब्द का उल्टा क्या होता है, यानी विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो आकाश का उल्टा पाताल होता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाताल ना होगा जी। तो बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे आप लोग पाताल दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, यानी पुरस्कार का जस्ट उल्टा आपको बताना है। पुरस्कार का अगर कोई अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कोई गलत करता है उसको दंड दिया जाता है। कृपा शब्द का उल्टा क्या होता है, कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे डियर बताना आपको, कृपा का उल्टा क्या होगा, कोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल 41 का आपका जो होगा कोप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 41 क्या हो जाएगा आपका, यानी कोप क्या हो जाएगा, कोप। जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। तो 42 देखेंगे, अवर्चिन शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अवर्चिन का, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा मेरे दिए, प्राचीन। तो इसका आंसर आप लोग का प्राचीन, जो बच्चे बताए बिल्कुल आपका आंसर सही है। कृतक शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा कृतक का, ठीक है। चलिए तो इसका उल्टा की अगर बात करें तो कृतधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर। अस्थावर शब्द का उल्टा बताना मेरे डियर, अस्थावर का जस्ट उल्टा होगा क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए अस्थावर को हम लोग क्या बोलेंगे, जंगम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जंगम। तो इसका आंसर आपका जंगम हो जाएगा। धनहीन शब्द कौन सा मास है बताइए, धनहीन की अगर बात करें मेरे प्यारे, तो धनहीन जो होगा आपका यानी तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है, त्रिदेव के बारे में बताना, त्रिदेव जो होगा यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिदेव जो होगा आपका यानी द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का द्विगु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखेंगे, भाई बहन शब्द जो है कौन सा समास है, क्योंकि यहाँ दो शब्द का जोर आता है तो आपको डेफिनेटली बताना चाहिए, ठीक है। जैसे पैर हाथ है, तो इस तरह का अगर आया आपका मेल वाला, ठीक है, माता पिता, तो ये आपका जो है द्विन समास, ठीक है, क्योंकि दो दो जोड़ा आपको जहाँ समझ में आता है तो वह समझ जाना कि द्विन समास है, ठीक है। 48 देखेंगे, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है बताइए, स्वर्ग प्राप्त। चलिए तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा मेरे डियर, तत्पुरुष जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। पीताम्बर शब्द कौन सा मास है, ठीक है, 49 का पीताम्बर, तो पीताम्बर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, बहुविडी हो जाएगा पीताम्बर। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बहुविडी राइट है। आजीवन शब्द कौन सा मास है बताइए, 50 नंबर क्वेश्चन, आजीवन के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आजीवन की अगर बात करें तो ये अविभावी हो जाएगा मेरे लाडलो, अभावी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का होगा क्या, अपमानित हो जाएगा इसका विशेषण, बिल्कुल हम लोग जानते हैं अपमानित हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। रोमांस शब्द का विशेषण क्या होगा, 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, तो रोमांस का बात करें तो रोमांचित हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे प्यारे, जल्दी बताइए, 53 का आपको बताना है क्या हो जाएगा भूगोल शब्द का, तो भूगोल शब्द जो होगा भौगोलिक हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का भौगोलिक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए, शिव शब्द का जो विशेषण होगा मेरे लाडलो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी जल्दी बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिव का सैब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए, सप्ताह में का जो होगा विशेषण क्या हो जाएगा, तो साप्ताहिक हो जाएंगे इसका आंसर आप लोग का। चलिए देखिएगा, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, संपादक का, चलिए बताइए, संपादक का विशेषण की अगर बात करें तो संपादकीय हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग, 57 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए
सर्वनाम के जो होते हैं वो छह भेद होते हैं हम लोग जानते हैं, और ये छह बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बताइए, 58 नंबर क्वेश्चन एकदम एमवीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन तो वर्तमान काल के आप लोग अगर देखेंगे बहुत जगह तरह कहीं कहीं आपको चार दिखाता है, कहीं पांच दिखाता है, कहीं तीन दिखाता है, लेकिन वर्तमान काल के अगर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये तीन भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तीन होते हैं। इसका आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, पौ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, पौ जो आप यानी रिपीट कीजिए, पौ आपका उच्चारण कहाँ से बन रहा है, पौ पौ तो देखिएगा ओस्ट में लग रहा है, तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नौ का उच्चारण स्थान बताना, नौ नौ जो आपका लगता है कहाँ पे, यानी नौ जो लग रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का आपको दिखाना है, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, तो नौ जो लग रहा है आपका यानी कहाँ मुर्दा में लगता है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग सर्वाधिक प्रचलित था, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो थे यूरोप के लिए यानी प्रचलित थे। ठीक है, आगे देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, हम लोग जानते हैं कि गांव का घर के लेखक कौन है, नामवरसिंह या ज्ञानंदपति, तो बिल्कुल ज्ञानंदपति होगा इसका आंसर आप लोग का, और ज्ञानंदपति का जन्म आपको बताना है कमेंट करके। सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, चलिए तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल पूछ दिया, बहुत ईजी, हम लोग सब जानते हैं कि सौ अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट का है, जिसका जन्म 1844 को हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 64, बोलने से मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था। देखिए हम जानते हैं कि बोलने से लोग जो है लोगों के अंदर जो भी भड़ास वगैरह होता है वो सब बाहर आता है। ठीक है, बोलने से लोगों का साक्षात्कार होता है, ये जो किसके द्वारा किया, बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया, नील जॉनसन किसके द्वारा कहा गया, चलिए तो हम लोग जानते हैं बेन जॉनसन के द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु कौन है बताइए, विष्णु जो थे यानी कौन थे विष्णु। ठीक है, तो मानक की माँ थी। ठीक है, विष्णु, ओके चलिए, हाँ चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो लेखक को हम लोग स्त्रीलिंग अगर इसका रूप करते हैं तो लेखिका हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग लेखिका बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता का जस्ट उल्टा अभिनेत्री हो जाएंगे, तो अभिनेत्री ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक शब्द का एक शब्द आप सवाल है, तो पृथ्वी को धारण करने वाले को महीधर कहा जाता है मेरे डियर, तो महीधर इसका आंसर आपका। ठीक है, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी ठीक है तो इसके बारे में बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। चलिए तो सब जानते होंगे कि यानी मृगनीय यानी इसको कह सकते हैं, यानी इसका आंसर आपको भी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का पूरा नाम क्या है, सब जानते हैं कि आगे का पूरा नाम यानी रोज का लेखक कौन है, आगे है। ठीक है, उसका पूरा नाम आपको जानना है, तो उसका पूरा नाम की बात करें तो सचिनानंद हरिनंद वत्सेन आगे। ठीक है, सचिदानंद हिरानंद वत्सेन आगे, तो इसका आंसर आप लोग का डी जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखिए आपके स्क्रीन पे मुक्त बोध का पूरा नाम क्या है बताइए, 71 का मुक्त बोध का पूरा नाम की अगर बात करें तो गजानन माधव मुक्त बोध, इसका यानी आंसर आप लोग का जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है, कनिष्ठ कहलाता है, अनुज कहलाता है, तो देखिए जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या कहा जाता है, अनुज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या कहा जाता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है, जिसका पहले हुआ हो तो उसको अग्रज कहा जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द आपको यानी बताना है, इसमें से शुद्ध शब्द जो है कौन लिखा हुआ है, शुद्ध के रूप में जो है लिखा हुआ है कौन सा होगा, तो शुद्ध जो होगा आपका यानी हम लोग स्वर्ग को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, स्वर्ग को इस तरह लिखते हैं यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न इस तरह नहीं होता है, ठीक है, प्रश्न इस तरह होता है। चलिए पुस्तक भी गलत लिखा हुआ है, पुस्तक आधा सा होगा, चलिए उसके बाद अंधेरा भी गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्न में से शुद्ध कौन शब्द कौन सा है बताइए, इसमें से आपको शुद्ध शब्द फिर चूज करना है, तो शुद्ध शब्द यहाँ जो होगा वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपको वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। जिससे किसी बात के मन होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको जो क्या कहा जाएगा, तो उसको जो है निषेधवाचक कहा जाएगा। ठीक है, निम्न से शुद्ध शब्द आपको फिर पहचानना है, शुद्ध शब्द जो है यानी कौन सा है, प्रधानाचार्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि शुद्ध शब्द जो है कौन सा है सही लिखा हुआ है, तो अगर बात करें तो इसका यहाँ जो होगा बिल्कुल यानी प्रियदर्शी सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रियदर्शी जो है सही लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ से भी शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द होगा यानी कौन सा है, तो विकल्प जो है सही लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको का विकल्प जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 79, किसी काम में दाखिला देना क्या कहलाता है, चलिए बताइए किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है बताइए 79 का। चलिए तो ये जो होगा आपका यानी हस्तक्षेप करना उसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, हस्तक्षेप करना कहेंगे। चलिए आगे देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है, अनेक शब्द का एक शब्द है। ठीक है, वन में चलने वाले को क्या कहा जाता है, वंचर कहा जाता है, वन में चलने वाले को क्या कहेंगे, वंचर ही ना कहेंगे जी, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है बताइए, 82 आपके स्क्रीन पे, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आलोचक हो जाएंगे मेरे प्यारे,
आगे देखिए आपके स्क्रीन पे आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था बताइए। 83 का बताना कि आज्ञा का जन्म कब हुआ था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। चलिए तो आज्ञा का जन्म जो था 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। नामोर सिंह का जन्म कब हुआ था बताना मेरे प्यारे। चलिए नामोर सिंह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, 1927 को नामोर सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का 1927 राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है 85 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे प्यारे। तो चलिए सब जानते हैं कि जयसी जो है इसका है। तो इसका आंसर आप लोग का जयसी बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से कौन राष्ट्र कवि है बताइए, राष्ट्र कवि के रूप में कौन है। यहाँ आपको 86 का बजाना है राष्ट्र कवि जो है कौन सा होगा। तो बिल्कुल रामधारी दिनकर को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था हम लोग जानते हैं, जिसका जन्म बेगूसराय बिहार में 1908 में हुआ था। ठीक है चलिए बहुत खुशी की बात है। क्वेश्चन देखेंगे 87, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। चलिए बालकृष्ण भट्ट जो थे यानी क्या थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में साहित्य का के एडिशन यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या गलत है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लोक नायक शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो जयप्रकाश के लिए यानी प्रयोग किया जाता है, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएंगे। 89 देखेंगे, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है बताइए। 89 का बताना मेरे प्यारे जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कृष्ण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरसागर के रचनाकार कौन है मेरे लाडलो बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, सुरसागर के कवि जो है सूरदास है। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए करबक में कौन कौन बात पाई जाती है बताइए। 91 का बताना है करबक में जो है कौन सी बात पाई जाती है। ठीक है चलिए तो करबक में आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। हाँ तो करबक की अगर बात करें तो करबक में होता प्रेम के प्रेम की महिमा। तो इसका आंसर आप लोग जो प्रेम की महिमा होता है बिल्कुल सही है। नामोर सिंह के गुरु कौन थे बताइए। नामोर सिंह के गुरु की अगर बात करें हम लोग तो नामोर सिंह के गुरु को आप लोग जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका आंसर आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर जाएंगे। कमायनी के रचिता कौन है 93 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। तो ये जो होगा आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 94 देखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे जल्दी बताएंगे। देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है कौन है। 94 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी डायरी है ये। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यानी गद्य कविता आपको बताना है, इसमें से गद्य कविता कौन सा है। तो ये बिल्कुल आपको यानी प्यारे नन्हे बेटे को यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भूषण किस रस के महान कवि है बताइए। 96 का आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी वीर रस हो जाएगा यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 97 देखेंगे, ओ सदा निडर निबंध किस नदी के यानी आधार बनाकर इसको लिखा गया है। चलिए बताइए 97 का आपको बताना है, इसको किसको आधार बनाकर लिखा गया है। तो मेरे लाडलो सब जानते होंगे आप लोग कि गंडक नदी को इसको आधार बनाकर जो है लिखा गया पूरी तरह से। ठीक है आगे देखिए, जयसी किस कालखंड के कवि है बताइए। 98 का बताना आपको ये किस कालखंड के कवि है मेरे लाडलो। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी भक्ति काल के हैं। तो इसका आंसर आप लोग का भक्ति काल राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, संत तुलसीदास कैसे कवि थे बताइए। संत तुलसीदास के बारे में बताना है ये कैसी कवि थे। तो ये साम्यवादी कवि थे। कैसा कवि थे, साम्यवादी कवि थे। और इसका कमेंट करके आप लोग आंसर होता है इसका जन्म जो है कब हुआ था तुलसीदास का। ठीक है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था बताइए। ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि गैंगरीन का ऑपरेशन करके आया था और उसका पुराना नाम यानी रोज का पुराना नाम क्या था, गैंगरीन था। तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है और इसमें जो है यानी रोज के लेखक कौन है, आगे जी है। ठीक है और इसमें जो है रोज में कौन है, मालती जो है किसमें मुख्य पात्र है आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका पुत्र जो थे क्या क्या नाम था उसका, टीटी नाम था उसका, पति पेशे से डॉक्टर थे उसका नाम क्या थे बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी मालती के पति का नाम क्या थे, महेश्वर थे। ठीक है तो डियर उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल आप लोग अपने अपने दोस्त के ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह शेयर कर दे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करेंगे और यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जवाब।